बोधिचित्ता ये जो ग्रुप है 5 दिन का, जैसा कि शब्द में ही निहित है कि कैसे चित्त बोध से भरे। अतिशा एक ऐसे मास्टर हैं जिसके ऊपर उषो ने इंग्लिश में खूब प्रवचन किए हैं। अतिशा के दिए हुए जो सूत्र हैं 59, जो कि माइंड ट्रेनिंग के नाम से मशहूर हैं, 7 पॉइंट्स ऑफ माइंड ट्रेनिंग, उसमें से कुछ चुनिंदा सूत्र हम लेंगे। अपने चित्त के भीतर तुम्हारे मौन है कैसे उसका स्वाद लग सके, उसके लिए यह ग्रुप सहयोगी होगा। इसमें हम बहुत एक्टिव मेडिटेशन नहीं करने वाले हैं, व्हाइट रो ब्रदरहुड तो होगा लेकिन ज्यादातर इसमें सिटिंग चलेगी, क्लेंजिंग चलेगी। बोधिचित्ता का मतलब है एनलाइटेड माइंड, क्लियर माइंड, और इसकी ट्रेनिंग है। तो उस ट्रेनिंग के लिए, उस ट्रेनिंग की तरफ चलने के लिए ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने माइंड को थोड़ी दिशा दे सकेंगे ओशो की दृष्टिकोण में और अतिशा की प्रज्ञा के साथ। अद्भुत बात लगती है मुझे उनके सूत्रों में कि जो उनकी विधि है कि कैसे हम ऐसे सक्षम हो पाए कि हम हर अपनी आती हुई श्वास के साथ संसार के दुखों को भीतर ले जाएं और अपने हृदय की ऐसी तैयारी बनाएं कि वो ट्रांसफॉर्म हो सके और अपनी जाति श्वास के साथ हम करुणा बांट सके। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो उसमें हम करने वाले हैं। आइए, और नेपाल में ऐसी सुंदर वो जगह है कि जहाँ वो वातावरण भी पूरा सहयोगी होगा चित्वन में, जो ओशो तथागत आश्रम है, चित्त को बोध से भरने के लिए थोड़ा सा समय निकालिए।